13 लोगों को लखनऊ में प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। खबर लखनऊ से, जहां पर 13 लोगों को नोटिस दिया गया है सीए के विरोध में हिंसा को लेकर के। ये नोटिस दिया गया है, सभी से 21 लाख रुपए वसूलने के निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल 30 दिन के अंदर अंदर इन्हें जमा कराने के सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 21,76,000 रुपए ये जो इनसे रिकवरी होनी है। दरअसल ऐसे 13 लोग हैं जिनके खिलाफ में इस किस्म का आरोप लगा था कि पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया था सीए के विरोध में हिंसा के दौरान। हमारे सहयोगी गगन मिश्रा हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। गगन, अब ये जिस किस 13 लोगों के खिलाफ में जो नोटिस दी गई है, डेडलाइन क्या रखी गई है और रिकवरी कितनी की होनी है और इन लोगों की तरफ से किस किस्म का जवाब अब सामने आ रहा है? देखिए, जवाब और जवाब देने की और साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय बीत चुका है। अब जो लखनऊ प्रशासन ने आदेश पारित कर दिया है कि इन 13 लोगों से 21,76,000 की वसूली की जाएगी, जो सरकारी और प्राइवेट संपत्ति का नुकसान हुआ था 21,76,000 का, उसी के लेकर आदेश जारी हुआ है। और एक महीने के अंदर इन 13 लोगों को 21,76,000 सरकारी कोषागार में जमा कराने होंगे। अगर जमा नहीं कराते हैं तो उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल ये उत्तर प्रदेश की पहली नोटिस है जो वसूली के लिए आदेश जारी हुआ है, क्योंकि इससे पहले नोटिस तो कई जारी हुई, लेकिन जो आदेश जारी हुआ है वो पहला आदेश जारी हुआ जिसमें एडीएम चांस गोमती विश्वभूषण मिश्रा के द्वारा जारी किया गया है। मगर गगन, इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित किया गया था, उनसे ये कहा गया था कि आप लोग इसकी भरपाई कीजिए। क्या उस बीच में उन लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई या रकम जमा करने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई? देखिए, बिल्कुल, जब 19 दिसंबर को हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, और आगजनी के बाद सभी जिलों के प्रशासन ने जितने तो आगजनी करने वाले थे, जिनको गिरफ्तार किया था या उसके बाद जो पुलिस कार्रवाई में जो पकड़े गए थे, उनको लेकर उनको एक नोटिस जारी की गई थी। नोटिस जारी करने के बाद उनको समय दिया गया कि आप साक्ष्य प्रस्तुत करें या जवाब दें। आकर साक्ष्य प्रस्तुत करने को लेकर जिसका आदेश आज जारी हुआ है, उसमें करीब 20 लोग को चिन्हित किया गया था कि ये लोग उस जगह पर मौजूद थे जहां पर आगजनी हुई थी। जब उनसे जवाब तलब किया जाए, उसमें 7 लोगों ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए, चाहे वो सीडी के रूप में हो, अपने सीडीआर के रूप में हो, या फिर वो कारण हो कि वो किस कारण से उस जगह पर मौजूद थे, जिसमें 7 लोग के साक्ष्य जो कोर्ट था उसने मान लिया है, जो जिला प्रशासन की कोर्ट थी उसने मान लिया है, और बाकी जो 20-13 लोग बच रहे हैं उनको दोषी माना गया है। और उन्हीं दोषियों लोग को नोटिस जारी की गई, आदेश जारी किया गया है कि उनसे जल्द से जल्द रिकवरी एक महीने के अंदर कराई जाए। लेकिन ये जरूर है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से कहा था सीएम ने कि जो लोग थे उनसे वसूली होना बिल्कुल मुमकिन है और उन्हीं लोग से वसूली होगी, उसको ये चरितार्थ कर रहा है कि पहली नोटिस जारी हुई है उत्तर प्रदेश से, आदेश जारी हुआ है जो 13 लोगों को जारी हुआ है, उन 13 लोगों से 21,76,000 एक महीने के अंदर। शुक्रिया गगन मिश्रा इन तमाम जानकारी के लिए।